हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोगों को पता चल गया आज का वीडियो कैसा है। आज का जो एस्टिमेशन पार्ट हम फुटने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है, इससे पहले मैंने वीडियो जो डाली थी वो एस्टिमेशन पार्ट 13 था। जिन भाई ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप देखिएगा। क्योंकि आज जो बनाने आज कंप्लीट आप लोग सीखेंगे प्लेन फिलिंग कैसे करते हैं। ग्राउंड बीम, पिछले वीडियो में मैंने ग्राउंड बीम के बारे में बात की थी। प्लिंथ बीम और ग्राउंड बीम सेम एज इट इज होता है, एक ही चीज है हमारा, ठीक है। तो उसके अंदर हम जो प्लिंथ फिलिंग करेंगे तो हम देखेंगे उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब, सबसे पहले मैंने आप, क्योंकि 3D व्यूज तो हमारे पास नहीं है, जब 3D व्यू है तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये हमारा एक डायमेंशन है टोटल। तो हमें प्लिन फिल्म करने की क्या जरूरत पड़ती है कि जैसे मैंने नेचुरल ग्राउंड लेवल से पहले तो मैंने क्या बैक फिलिंग किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने कितना रोड लेवल से 3 फुट उठा दिया, तो 3 फुट तक ये क्या है हमारा, ये वाला होल्लो है, ये पार्ट हमारा पूरा होल्लो है। अब होल्लो होने के बाद इसके ऊपर हम क्या करते हैं, बैक फिलिंग करते हैं, ठीक है। तो बैक फिलिंग कितना, 3 कंप्लीट 3 फुट तक नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि बैक फिलिंग जो हमारे जो ये सॉयल, अगर हम इसके लेवल से कर देंगे तो जरा से भी ये ब्रिक के संपर्क में अगर सॉयल आएगा तो वो क्या करेगा, हमारे घरों में सीलन हो जाएगी, ठीक है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे तकरीबन 4 इंची पीसीसी मार्जिन, ठीक है, और 4 इंची आप कंप्लीट पीसीसी, और उससे नीचे हम 3 इंची का जो ब्रिक ब्लास्ट होता है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो 4 इंची और 3 7 इंची, तकरीबन आप 6 इंची कंप्लीट इससे डाउन रखिएगा। डाउन रखने के बाद जितना भी होगा हाइट तक, हम उसका पहले हम बैक फिलिंग, जैसे हम सॉयल से फिलिंग करेंगे, कोई कोई मुरूम फिलिंग करते हैं अलग अलग मटेरियल से, ठीक है। सबकी रेट रेगुलेशन सबसे अलग अलग होता है। ये सारा पार्ट हम देखेंगे जब हम बिल ऑफ क्वांटिटी, इसी पार्ट में जब हम बिल ऑफ क्वांटिटी हम देखेंगे, एस्टिमेशन कंप्लीट करने के बाद एब्स्ट्रैक्ट शीट बनेगी, उसके बाद बिल ऑफ क्वांटिटी बनेगा, तो वहां पे हम रेट फाइंड करेंगे, राइट, कौन से मटेरियल का कैसे रेट लिया जाता है। लेकिन आज जैसे इसमें हम बैक फिलिंग करेंगे तो इसका रूल एंड रेगुलेशन ये है कि कम से कम 200 मिनिमम, कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम 200 की लेयर, लेयर बाय लेयर हम करें। जैसे इस वाले एरिया में 200 mm थिक का पहले मैंने सॉयल किया, उसके बाद हामर 10 होता है, 1.5 हामर 10 होता है, जो कि ये किराए पे मिलते हैं, ठीक है, जनरली किराए पे मिल जाते हैं। तो उसको, उससे पहले हम क्या 200 लेयर का हम कॉम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, पूरी तरह से कॉम्पैक्ट करेंगे। कॉम्पैक्ट करने के बाद बाद क्या होगा, जब हमारे लिए होगा तो उसके ऊपर फिर हम मतलब वो रोड़ी वगैरह हम डालेंगे। डालने के बाद फिर हम उसके ऊपर हम 3 इंची पीसीसी करेंगे, राइट, 3 इंची पीसीसी, 3 इंची रोड़ी, 6 इंची हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं अभी फाइंड करूंगा ये एरिया 1, ये वाला जो हमारा है ये एरिया 1 मानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ कहाँ पे हमें प्लेन फिलिंग करने की जरूरत है, ये वाला पार्ट देखना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना हमारा, तो इस वाले पोजीशन पे भी हमारा क्या होगा, प्लेन फिलिंग होगा। तो ये सारे एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको सिर्फ हम प्रोसेस बता रहे, ठीक है। जैसे ये प्लेन बीम है, अब इस वाले पोजीशन से लेके इस वाले पोजीशन तक हम एक में इंक्लूड कर लेंगे, या हम एरिया, देखो हम कैसे एरिया बाय एरिया हम कर लेंगे, ठीक है। इसको हम एरिया 1 मानेंगे, ठीक है, इसको हम एरिया 2 मानेंगे, ठीक है, इसको हम एरिया 2 मानेंगे। सपोज आप, क्योंकि मैं अगर ये छोटा छोटा स्मॉल पार्ट का भी निकाल के दिखाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप प्रोसीजर को आप फॉलो कीजिए। जैसे ये आपका कंप्लीट एरिया 1 है, अब इसमें हम क्या मानेंगे, एक ही बार हम कंप्लीट ये डायमेंशन ले लेंगे, ये वाला पार्ट एरिया 2, इससे होगा कि शॉर्ट वीडियो बनेगी, ठीक है। आप लोग समझ लीजिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग अगर निकालोगे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट का एरिया आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, ये डायमेंशन अब प्लस ये डायमेंशन अब प्लस ये डायमेंशन, मतलब कंप्लीट आप ये स्क्वायर फिट निकाल लेना ये इस वाली पोजीशन की, ठीक है, और उसको जितना हाइट तक आपको रिक्वायर्ड है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब बच गया एरिया, ये आपका स्क्वायर बन गया यहाँ से, फिर ये वाला पार्ट आप अलग निकाल लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये बीम टू बीम आप निकालने की कोशिश करना, ये वाला देखो बीम है हमारा, तो ये भी एरिया 1 बन रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये कंप्लीट मैंने ये वाला देखो बीम यहां से लेके ऐसे जा रहा है,
और ऐसे ये एरिया टू मान लीजिएगा। अब छोटा छोटा टुकड़े में सब डिवाइड करके मतलब आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर आप देखो एरिया थ्री, ये एरिया फोर। तो चलो हम एक बार आप लोगों को बता देते हैं कैसे होता कैसे, ठीक है। मैं मान लेता हूं इसको एरिया वन, राइट, प्लेन फिलिंग एरिया वन, ठीक है। एरिया वन, एरिया वन के डायमेंशन क्या है देखो, ये 30 फीट, ठीक है। टोटल आउटर, आउटर हमारा कितना 30 फीट से है, ठीक है। तो जिसमें कि ये 9 इंच, क्योंकि हम इनर टू इनर हम डायमेंशन लेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितना 9 इंच, अब प्लस इधर से हमारा 9 इंच, तो तकरीबन कितना 1 1 फीट 6 इंच आपका माइनस हो जाएगा 30 फीट में, ठीक है। तो ये लेंथ हमारा अंदर अंदर निकल जाएगा। और दूसरी हमारा क्या होगा कि ये वाला पार्ट से लेके कंप्लीट इस वाले पार्ट तक, राइट, इस वाले पार्ट तक एक डायमेंशन हम लेंगे। कैसे लेंगे देखते हैं, ये कंप्लीट इस वाले पोजीशन तक लेंगे। तो ये देखो, ये आउटर फेस नहीं चाहिए, ये तकरीबन 9 इंच ये भी माइनस होगा हमारा टोटल डायमेंशन। इस वाले से लेके ये वाला मेरा आउटर फेस देखो, ये वाला फेस हमारा कितना है 16 फीट 4 इंच। तो इधर से 4.5 इंच छोड़ के ही है, तो 4.5 इंच माइनस करो तो ये कंप्लीट हमारा 16 फीट बन जाएगा, ठीक है। ये 16 फीट बाय 30 फुट में ये 1.5 फुट माइनस हो जाएगा साहब, तो आपका तकरीबन 28.5 फुट बच जाएगा, ठीक है। 28.5 फुट बाय 16 फुट मतलब एक एरिया हो गया, ठीक है। तो एरिया वन हम एक्सेल शीट पे जाएंगे और डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी को कंट्रोल सी कर लेते हैं, देन कंट्रोल भी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें नाम चेंज कर देंगे, बैक प्लिन फिलिंग, क्या नाम देंगे, प्लिन फिलिंग, प्लिन फिलिंग, ठीक है। अब प्लिन फिलिंग कितना नंबर होगा मेरा, 13 होगा, ठीक है। बिल्डिंग का 30वां पार्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लिंट हो गया, तो अब हम नाम देंगे यहाँ पे एरिया वन, राइट, एरिया वन, ठीक है। और यहाँ पे हम पुट कर देते फिर से एरिया, एरिया टू कर देंगे इसको, राइट, एरिया टू कर दी, राइट। अब होगा क्या कि एरिया वन, अब देखो एरिया, जैसे मैंने एक एरिया पकड़ा है, ठीक है, उसके अंदर एक डायमेंशन क्लियर लेंथ और विड्थ मिल रहा है, तो एक ही बार में पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपका एरिया टू में जैसे गए तो उसमें छोटा छोटा पार्ट है, कहीं मतलब बिल्कुल रेक्टेंगल पार्ट नहीं है आपका, मतलब कहने का मतलब कहीं माइनस है कहीं पे मतलब ये है, तो अब उसका मतलब सब पार्ट बना सकते हो। जैसे एरिया वन तो यहाँ पे कर देना ABC, मतलब जितने पार्ट होगा उस पार्ट का नाम और लेंथ भी, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम पूरा पूरा लेंथ लेंगे ताकि आपको इजी तरीके से समझ में, और वीडियो भी थोड़ी लंबी ना बने तो बेटर रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है। तो एरिया वन, एरिया वन कितना वन प्रेस किया, ठीक है। लेंथ मैंने कितना बताया था 30, टोटल कितना था 30, इक्वल लगाया ब्रैकेट डाला 30 माइनस 1.5 फीट, ये माइनस हो गया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3.28, क्यों हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम मीटर में ही सारा चीज निकाल रहे हैं, तो ये भी हम मीटर में निकालेंगे, राइट। तो हम यहां से क्या करेंगे, डेसिमल को हम कम कर लेंगे, राइट, सॉरी ये डेसिमल का कम कर लेंगे, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया, अब लेंथ हो गया। अब विड्थ क्या, 16 फीट था अंदर अंदर, माइनस करके 16 फीट था, राइट। तो हम डायरेक्टली हम 16 दे देंगे, हमेशा इक्वल लगाना, इक्वल के बाद ही, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाय 3.28, अगर कन्वर्ट नहीं करना तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, राइट। फिर इसको डेसिमल के दूसरे हिस्से तक हम करेंगे, ठीक है। इसको मैंने दूसरे हिस्से तक कर दिया, ठीक है। अब हमारा क्या है, हाइट आ गया, हाइट अभी हम देख लेते हैं। हाइट मैंने पिछले बार जो मैंने प्लेन बीम की जो सेटिंग किया था, तो इस वाले समय मतलब नहीं है। ये देखो प्लेन बीम कंक्रीट जब हम डिफाइन किए थे तो बीम साइज हमारा था 230 बाय 375, ये 15 इंची की हाइट की थी, राइट, 15 इंची हाइट की थी, ये प्लेन बीम था, ठीक है। लेकिन मैंने ब्रिक वन लाइन ब्रिक वर्क बिलो प्लिंट लेवल ये हो गया था हमारा, प्लिंट
प्लेन बीम कंक्रीट भी हो गया था, ठीक है। तो मैंने कितना 15 इंची की है, यही है हमारा फिनिश लेवल से 15 इंची की है। अब उसके बाद अगर हम जितना भी उठाते हैं, जैसे उसके ऊपर कोई कोई क्या करता है, ब्रिक वर्क 2 फीट कर देता है, फिर उसके ऊपर डीपीसी करता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम ये डेली के अकॉर्डिंग जो डेली में होता है, जो ग्राउंड बीम मैंने कर दिया, और ग्राउंड बीम के 15 इंची है, तो कंप्लीट हाइट हमें मिल गया 15 इंची। 15 इंच मतलब 1 फुट, 12 3 15, 1 फुट 3 इंच, ठीक है। 1 फुट 3 इंच लिखते कैसे है ये देख लेते हैं, राइट। अब हम एक्सेल शीट पे आ गए, ठीक है, एक्सेल शीट पे अब कैसे हाइट हम लिखेंगे, ठीक है। हाइट लिखने का तरीका, इक्वल प्रेस किया, ठीक है, और क्या करेंगे, 15 इंची टंगली, तो 1 फुट 3 इंची का लिखने की तरह 1.25, ठीक है, ये 15 इंची होगा। अब 15 डिवाइडेड बाय 12 करोगे इतना ही रिजल्ट आएगा, 1.25, राइट। तो अब क्या है इसमें माइनस माइनस क्या होगा, सिर्फ टॉप से कितना माइनस करना है, नीचे से टोटल बीम की हाइट हमारा, जो ग्राउंड बीम मैंने डाला था, तो जमीन से लेकर ऊपर तक हमारा हाइट कितना, 15 इंची, जिसमें कि 15 इंची में ऊपर से 3 इंची हम पीसीसी के लिए, 3 इंची ये ब्लास्ट ब्रिक जो हम यूज करेंगे कॉम्पैक्ट करके, ठीक है, उसको हम माइनस कर देंगे, तो कंप्लीट 6 इंच। तो 6 इंच डिवाइडेड बाय 12 करेगा तो 0.5 फीट, तो -0.5 कर दिए, ठीक है। ब्रैकेट लगाया, डिवाइडेड बाय 3.28, ठीक है। अब मैं ये प्रेस किया, राइट। उसके बाद क्या होगा, अब हम माइनस दूसरे हिस्से तक, अब देखो लेंथ भी पता चल गया, और विड्थ भी पता चल गया, और हाइट भी पता चल गया, ठीक है। तो इसमें हम पुट कैसा करेंगे, अब इक्वल लगाएंगे इनटू नंबर इनटू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, इंटर प्रेस करेंगे, तो हमें इतना क्यूबिक मीटर लगने वाला है बैक फिलिंग, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि 200 लेयर की हम कॉम्पैक्ट करके फिर हम सारा प्रोसीजर को करेंगे, ठीक है। क्यूबिक मीटर क्या करेंगे हम, कंट्रोल सॉरी क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर हो गया। तो कंप्लीट आपने देख लिया, एरिया 1 कैसे फाइंड किया मैंने, अब एरिया 2 करेंगे। तो इससे पहले हम ड्राइंग आप लोग दिखा देते हैं। ये एरिया 1 मैंने कंप्लीट इनर टू इनर डायमेंशन ये लिया और मैंने फाइंड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब एरिया 2 में देखो ये छोटा छोटा, मैंने क्या बोला था कि एरिया 2 में आएंगे तो जैसे छोटा छोटा पार्ट है, तो आप ए करके इस वाले पोजिशन को ए मान लीजिए, इस पोजिशन को बी, इस वाले को आप सी, इस वाले को आप डी, मतलब अलग अलग करके आप उसके नीचे कर सकते हो, आप फिर टोटल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कंप्लीट आपको यहां से लेके यहां तक हम बता देते हैं, ठीक है, एरिया 2 फाइंड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो ये तकरीबन ये आपका 5 फीट और 6 5 11 फीट, 11 और 10 कितना हो गया, 11 फुट और 10 फुट आपका 21 फुट, हम राउंड फिगर 21 फुट ले लिए, 21 फुट बाय आपका वही विर्थ आपका वही रहेगा, ठीक है, 21 फुट। तो हम चलते फिर से एरिया 2 के लिए, 21, ठीक है, 1 है, आपको मैंने बता ही दिया तरीका, अगर छोटा छोटा पार्ट बन रहा था ए बी सी डी उसमें बन ही रहा है, लेकिन मैं कंप्लीट पूरा इसलिए लिया ताकि आप लोगों को जल्दी से मैं बता सकूं, ठीक है। आप लोग प्रोसीजर को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, लेंथ मेरा क्या था, 21 फुट, ठीक है, इस बार कुछ नहीं है, इक्वल लगाएंगे 21 डिवाइडेड बाय 3.28, राइट। तो ये आ जाएगा डेसिमल के दूसरे हिस्से तक हम कर लेंगे इसको, राइट, कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा बिर्थ है, तो बिर्थ हमारा कितना था, वही रहेगा सेम लेंथ विर्थ, ये विर्थ, तो हम ड्रैग कर लेंगे, सेम ही रहेगा दोनों तरफ से, हम ये कर लेंगे ये मीटर में, ठीक है, ये रहेगा। अब हमारा हाइट भी सेम रहेगा क्योंकि प्लेन भी हमारा सेम हाइट की थे, तो सिर्फ ऊपर से 6 इंच में माइनस करके चला, ठीक है। अब ये फॉर्मूला यही सेम रहेगा, यहाँ से हम ड्रैग कर लेंगे, ठीक है, कितना इजी है, एक बार एक को करो उसके बाद उसी को फॉलो कर दो आप, ठीक है, कितना इजी है हर चीज। अब एरिया 3, अब एक एरिया और बन रहा है, तो हम देख लेते हैं ड्रॉइंग पे जाके,
ये वाला पार्ट पूरा ले लिया, लेंथ और विड्थ, ठीक है। आप ऐसे नहीं लीजिएगा, मैं अभी भी वही कह रहा कि ये जितना जितना पार्ट है आप अपने ड्राइंग में मेंशन कर लीजिए, लेंथ विड्थ कितना, ये कितना, उसके बाद आप एक बार, मैं एक बार में पूरा ले लिया, राइट। अब हम ये वाला पार्ट ले लेते हैं, राइट। अगर ऐसे दिक्कत, ये वाला हम छोटा छोटा है, उतना दिक्कत नहीं है, तो ये एरिया थर्ड, इसको मान लेते एरिया थर्ड। तो एरिया थर्ड की डायमेंशन क्या रहने वाला अभी देख लेते। सेंटर टू सेंटर हमारा है 11 फुट 6 इंच, ठीक है, 11 फुट 6 इंच सेंटर टू सेंटर है। तो ये वाला ग्रिड लाइन और ये वाला ग्रिड लाइन से हमें पता चल जाए। अब इधर माइनस कर लेते, ये सेंटर से साढ़े 4 इंच इधर माइनस होगा, ठीक है, इधर से साढ़े 4 इंच 9 इंच माइनस होगा, जिसमें कि 9 इंच हम कर लेंगे, ठीक है। तो पुट कैसे करेंगे, पहले इस वाले को हम डिफाइन कर लेते, ठीक है। एरिया थर्ड मतलब ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला भूल जाए, एरिया फोर में कैलकुलेट करेंगे। कितना सा पार्ट, ये यहां से लेकर ये, यहां से लेके ये, यहां से लेके ये वाला एरिया थर्ड, राइट। फिर से गए, अब लिखेंगे एरिया थर्ड, एरिया थर्ड लिखने गए, नहीं भी लिखोगे आप उसी तरह ट्राई करो, एरिया थर्ड आ जाए आपका, ठीक है। तो कितना 1, राइट, नंबर कितना 1 है, लिखने के कितना सारे 11 फुट और 9 इंच माइनस, बोर्ड साइड साढ़े 4 इंच, साढ़े 4 इंच माइनस होगा 11 पॉइंट, ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि कन्वर्ट करने में, ठीक है, 11.5 माइनस 9 इंच लिखने का 0.75। काफी मैंने पिछले वीडियो में ये सारी चीजें बता चुका हूँ, आप लोग जिन मैंने अभी तक नहीं देखा तो जाके आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 3.28 से डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया, डेसिमल की कितने हिस्से तक, दूसरे हिस्से तक, राइट। अब हमारा इस वाले पोजीशन का निकालना है, कैसे, फिर ड्राइंग पे जाएंगे, ड्राइंग पे गया, ठीक है। ड्राइंग पे जाने के बाद कितना, ये ग्रिड और ये ग्रिड हम पकड़ लेते हैं। अब ये ग्रिड टू ग्रिड हमारा डायमेंशन दिया हुआ है, कौन सा ग्रिड मैंने बोला था, ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्रिड, ये वाला, ठीक है। देखो ये वाला ग्रिड आपका देखो यहां से यहां तक है, तो कंप्लीट हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। ग्रिड टू ग्रिड ये सारे 4 इंच इधर आना आ रहा है मुझे, पहले हम जोड़ लेते, ठीक है, 14 और 5 19, 19 और 1 इंच इसमें दे देंगे इस वाले पार्ट से, तो हमारा 20 फुट हो जाएगा, 20 फुट 2.5 इंची हो जाएगा। जिस 20 फुट 2.5 इंची में तकरीबन आपका ये 9 इंची माइनस, और इधर से कितना माइनस होगा यहां से पता चलेगा, 4.5 इंची मैंने, ठीक है। अब करते कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। अब फिर से हम आते हैं, कितना था, फिर से मैं मिस हो गया, 19 20 20 फीट, ठीक है। तो 20 इक्वल प्रेस किया, ब्रैकेट लगाया, 20 माइनस एक तरफ से 4 इंची था, तो 4 इंची को लिखेंगे कहते हैं, अगर 12 से भाग दोगे तो 0.33, ठीक है। फिर माइनस और क्या एक तरफ से हो रहा है, 9 इंची, 9 इंची 0.75, ब्रैकेट लगाया, डिवाइडेड बाय 3.28, राइट, इसको इंटरप्रेस किया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कम कर लिया, राइट। अब हाइट तो हमारा सेम ही रहेगा फिर से, ठीक है, और फिर ये फॉर्मूला भी हमारा सेम ही रहेगा, इसको मैंने किया और ये मैंने ड्रैग कर लिया। अब मेरा बच गया एरिया फोर, ठीक है। अब एरिया फोर कैसे, इस पे गया और इसको हम ड्रैग कर लेंगे, तो एरिया फोर आ गया, एरिया फोर कितना भी 1 है, ठीक है। लेंथ और विड्थ हम ड्राइंग से उठा लेते हैं, ठीक है, लेंथ और विड्थ ड्राइंग से कैसे उठाएंगे देखो अब, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये पूरा रेक्टेंगल पार्ट, ठीक है, ये पूरा रेक्टेंगल पार्ट, ये 11 फुट 6 इंच माइनस वही होगा जो पहले था, दोनों तरफ से साढ़े चार 9 इंची माइनस हो जाएगा, और इस तरफ का ग्रिड आप देख लेते हैं, ठीक है। ये भी कौन सा ग्रिड हमारा जाएगा, ये ग्रिड जाएगा, ये जो ग्रिड जा रही सी ग्रिड, ठीक है, सी ग्रिड से लेके सी ग्रिड तक ये, तो ये तो ऑलरेडी 4.5 इंची माइनस है, तो 9 इंची माइनस करनी है, तो हम पूरा कंप्लीट ले लेंगे। देखिए 6 और 2 इंची इसमें दे दो, 7 फुट पूरा बन गया, और 2.5 इंची इधर हमारा, 7 फुट ये, 7 2 9 फीट, और 2.5 इंची 2.5 इंची 9 फुट 5 इंची, और 9 9 फुट 5 इंची, ठीक है, 9 फुट 5 इंची आपके पास होंगे, कौन कौन सा, सारे 4 इंची अपने 6 फुट 10 इंच, 2 फीट इतना, तो 9 फीट 5 इंची कंप्लीट, जिसमें कि आपका माइनस क्या क्या होगा,
देख लेते हैं ये सारी चार इंच इधर से माइनस और 9 इंच इधर से माइनस, ठीक है। फिर से हम जाते हैं एक्सेल पे, ठीक है। लेंथ आपका यही सेम ही रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपका चेंजेस होगा, इक्वल लगाया, ठीक है। इक्वल लगाने के बाद ड्राइंग पे जा रहे, ठीक है। क्या मैंने बोला था, ये ग्रिड टू ग्रिड, फिर से बोल गया, 9 फीट 5 इंच, राइट। 9 6 प्लस ये, प्लस ये जोड़कर 9 फीट 5 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं फिर से, तो 9 फीट 5 इंच ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से 5 इंची को 0.41 से 12 से भाग दोगे तो, ठीक है, 9.41। अब माइनस एक तरफ से 4.5 इंच, 0.33, अब माइनस एक तरफ से 0.75, मतलब 9 इंचेस ब्रैकेट लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 3.28 कर देंगे, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस कर लेंगे, राइट। उसके बाद ये सेम डिजिट है, ये भी 2 ही डिजिट तक होगा, इसमें है कोई दिक्कत नहीं है, और इसको ड्रैग कर लेंगे तो हमारा ये फैमिली आ जाएगा, ठीक है। तो देख लिया आप लोगों ने कितना इजी है निकालना प्लेन बीम का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी करेंगे और देन आके हम कर देंगे कंट्रोल बी, ठीक है। कंट्रोल बी करने के बाद इसमें हम सेटिंग करेंगे प्लेन बीम प्लेन फिलिंग कर दे, प्लेन फिलिंग की क्वांटिटी कितने आने वाला है, अब सम करना है तो अल्ट प्लस ये कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सम हो गया और इसको ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। फिर से मैं डार्क कर दूंगा, ठीक है। इसको मैंने डार्क किया और देन इसको भी मैं डार्क कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कितने इजी तरीके से हम फाइंड कर पाए प्लेन बीम की एरिया। एक बार फिर से हम ड्राइंग पे जाते हैं और एक बार फिर से क्लियर आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक छोटी छोटी डिटेल से अगर मैं बताऊँ ना तो वीडियो 1 घंटे 2 घंटे के बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए सिर्फ हम चाहते हैं कि ना आप लोगों को निकलना आ जाए, प्रोसीजर आ जाए, ठीक है। तो एक बार हम ड्रॉइंग फिर से रीड करा देते आपको, ठीक है, बिना स्किप किए वीडियो। पहले मैंने क्या किया, ये एरिया पूरा फाइंड किया, इनर टू इनर डिस्टेंस लिया, एरिया 1 मान लिया, ठीक है। अब मैं एरिया 2 कंप्लीट ले लिया, लेकिन आपके ड्राइंग में ऐसा होगा तो आप नहीं लीजिएगा। कैसे लीजिएगा, एरिया 2 ले लीजिए या एरिया अलग अलग कर लीजिएगा, जो यहां से आप एक लाइन मारिएगा, इसकी लंबाई चौड़ाई जो आपको मतलब परफेक्ट स्क्वायर फीट निकल जाए। अब ये वाला पोजीशन अलग निकल जाएगा, ये पोजीशन अलग निकल, ये पोजीशन अलग, लेकिन मैंने क्या किया, ये पूरा लिया और पूरा लेंथ और विड्थ क्यों किया, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, क्योंकि उतना छोटा छोटा पार्ट अगर मैं कंटिन्यूटली बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो ये एरिया मैंने बताया, ये एरिया मैंने बताया फाइंड करके, ठीक है। और तरीका क्या बताया, टोटल हाइट में ऊपर से जितना चीज हमारा यूज होने वाला उसको मैं माइनस कर दिया, ठीक है। मतलब प्लिंथ लेवल जो मेरा डाला है टॉप ऑफ कंक्रीट प्लिंथ की, उससे -6 इंची कर लिया। क्या क्या, पीसीसी 3 इंची और अड्डा रोरी जो हम कूट के डालेंगे जो कंपेक्ट करके वो, ठीक है। बाकी अंदर का मटेरियल ये माइनस करेंगे तो अंदर का मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज मैं सीख पाया इस वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, जो न्यू व्यूवर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है। इस पे रिवेट की कंप्लीट पार्ट भी सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज फील्ड के अकॉर्डिंग एज पर साइट सिखाया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।